Assalamu alaikum dear students, now after completion of prophase first, in meiotic first, the cell now undergoes metaphase and since it is the first meiotic division, so we mark it with metaphase first, right. In metaphase first, you can see the chromosomes, the homologous chromosomes, they uh, align themselves on equatorial layer. And for that alignment, it is the contraction of these chromosomal fibers, right, which bring them on this equatorial. Here you can see, my dear students, uh, we have shown two chromosomes, one empty and one solid. This portion, you can see it here, is the uh, genetically exchanged portion. Similarly, in this, uh, we can draw it here as well. This is the genetically exchanged portion, and this one will show it as solid. And this small portion, which is empty, is the uh, genetic exchanged material which has been exchanged during crossing over. Right? So, what uh, happens in this uh, metaphase first is that. इन मेटाफेज फर्स्ट द हमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोग क्रोमोजोम खुद को अलाइन करते हैं एलाइन दैम सेल एट द एक्विटोरियल प्लान क्वेटोरियल प्लान राइट किसे विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स ये स्पिंडल फाइबर जो है Which have attached themselves to the centromere or the kinetochore of this, these chromosomes, they contract, right? And with the help of that contraction, these uh, chromosomes are brought at the equatorial plane right? Then the second phase is the phase. second, is first, right? Now we'll see what happens in this phase. In phase. द क्रोमोजोम ऑफ द पेयर सेपरेट फ्राम यदर राइट विद इट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रेक्शन ऑफ दिज स्पेंडल फाइबर्स राइट एंड स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होती है एक चीज़ आप याद रखें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये यह जो क्रोमोजोम हैं दे यहाँ पे आप देखें इन मेटाफेज़ ये क्रोमोजोम है दे आर एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड द होमोलागस क्रोमोजोम आर इन पेयर्स राइट यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं सो इट इज़ ये एनाफेज का ये अहम पॉइंट है कि क्रोमोजोम जो हैं ये होमो ये होमोलागस क्रोमोजोम जो एक पेयर के होते हैं वो सेपरेट होते हैं राइट वन इज़ पुल्ड टू दिस साइड एंड वन टू दिस साइड सी यहाँ पे हम आप ये एक हमने एम्प्टी दिखाया है दिस पोर्शन विल मार्केट ये है जेनेटिकली एक्सचेंज पोर्शन इसी तरह से इसको हम सॉलिड दिखाएंगे और यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा पोर्शन जो है दिस इज़ द एक्सचेंज जेनेटिकली एक्सचेंज पोर्शन जो क्रॉसिंग वर्क के दौरान इसी तरह से इसमें भी हम दिखा सकते हैं दिस पोर्शन इज द जेनेटिकली एक्सचेंज पोर्शन और यहाँ पे जो है इसमें भी हम दिखाएंगे ठीक लेकिन यहां पे आप एक चीज याद रखें ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिस आर एक्चुअली इनमें डबल डीएनए होता है तो इसके दो आर्म्स होते हैं इसी तरह से ठीक बिकॉज इन जूरिंग इंटरफेज एस फेज राइट द क्रोमोजूम नंबर दिस डी एन एज रिप्लिकेटेड ठीक इंटरफेज के दौरान हाँ अब यहाँ पे जो है एक कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि यहाँ पे क्या होता है ये क्रोमोज़ोम जो पेयर के होते हैं वो सेपरेट होते हैं क्रोमोजोम्स ऑफ द पेयर सेपरेट वो सेपरेट होते हैं ठीक बेटा और एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने एक यहाँ पे जो है माइटोसिस में हमने देखा था प्रोफेज में ये जो उस सेंट्रोमियर है ये क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर आ, को अटैच करके वो ब्रेक होता था सिप्लिट होता था तो यहाँ पे ये सिप्लिटिंग नहीं होती है यहाँ पे ये पॉइंट में लिखूँगा ऑफ सेंट्रोमियर Does not occur. ठीक है वो नहीं होती है यहाँ पे डज नाट ऑकर यहाँ पे अनलाइक जब मैं अनलाइक लिखता हूं दैट मीन्स नहीं होता है जो या इसमें नहीं वो होता है जो किसमें होता है माइटोसिस में होता है. तो माइटोसिस में वहाँ स्प्लिटिंग होती है किसकी सेंट्रोमेयर की ठीक है बेटा और दूसरा पॉइंट जो है यहां पर इंटरजोनल फाइबर्स नहीं बनते ये देखें आप ये स्पिंडल फाइबर ये कंटिन्यू जाते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर ठीक तो इनको कहते हैं कंटिन्यूस कंटिन्यूस फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स ठीक अब ये आप देख लीजिए यहां से भी ये बिल्कुल टच नहीं करता है क्रोमोजूम को ये स्पिंडल फाइबर आप देखें ये क्रोमोजोम के साथ अटैच होता है और इन क्रोम को कहते हैं ये वाले जो है इनको कहते हैं क्रोमोज़ोमल क्रोमोज़ोमल फाइबर्स ठीक है बेटा इनको डिसकन्टीन्यूस फाइबर्स भी कहते हैं ठीक सो इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दीज फाइबर्स दैट द क्रोमोजोम और गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर राइट तो दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको अगर याद होगा माइटोसिस में आपको मैंने बताया था ये इस स्टेज में एनाफेज में कि वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे और एक फ़ाइबर बन जाता है ठीक है ना जिनको इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे जो है इंटरजोनल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होते सो दिस इज़ अनदर पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट इज़ कि यहाँ पे जो है नो इंटर जोनल फाइबर्स और फॉमट ठीक है बेटा दिस इज अनदर पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस मेटाफेज और एनाफेज फर्स्ट इसके बाद जो है बेटा इज द टीलो फेज राइट टीलोफेज फर्स्ट ये आप याद रखें यह रिवर्स है मैंने मैटास में भी बताया था रिवर्स ऑफ प्रोफेज जो प्रोफेज में होता है इसके बरक्स फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसपेयर होता है डिसेट होता है यहाँ पे वो रेपियर होता है ठीक है ना वहाँ पे जो है कंडेंसेशन होती है उनकी तो यहाँ पे उनकी डिकंडेंसेशन होती है ठीक है ना स्पेंडल फाइबर्स वहाँ पे बन जाते हैं यहाँ पे डिसपियर होते हैं दैट इज़ ऑल इज़ रिवर्स ऑफ दिस वी से दिस प्रोफेज फर्स्ट ठीक है ना तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये फिर बन जाता है राइट अभी तक जो है यहाँ पे आपने देखा देर वॉज नो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था ठीक है ना यहाँ पे नहीं था अब यहाँ पे जो है ये फिर बन जाता है ठीक और जो है क्रोमोजोम uh, इनकी Uh, अब फिर डिकन्डेंशन yeah. होती है और दे अपेयर लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स ठीक है ना इसी तरह से जो है यहाँ पे अगर आप देखें स्पेंडल जो है स्पिंडल फाइबर्स वो डिसपेयर होते हैं ठीक है, है ना तो यहाँ पे जो है आपको अगर याद होगा हमने जो ऑरिजिनली सेल ली थी हमने दिखाई थी अपनी कन्वीनियंस के लिए उसमें चार क्रो तो यहाँ पर जो है अब दो ही क्रोमोज़ोम होते हैं ये वाले दो जो ऊपर चले जाते हैं दो नीचे राइट तो यहाँ पे भी ऐसे ही ठीक बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डबलिंग में दिखाते हैं क्योंकि इसका डीएनए कंटेंट जो है दैट इज डबल्ड राइट सेंट्रोल्स अपनी जगह हैं ठीक है, है ना एस्टर रेज खत्म हुए ये स्पिंडल फाइबर्स खत्म हुए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है ख़त्म हो गए एस्टरेज जो हैं वो नहीं रहे ठीक है ना? और यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन सेल मेम्ब्रेन में शुरू होती है ठीक है ना एट द कम्पलीशन ऑफ दिस टेलो फेज राइट सो तो यहाँ पे टेलो फेज में हम हम पॉइंट्स लिखेंगे एक ये रिवर्स होता है प्रोफेज का सेकेंड में लिखूंगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रेएपियर होता है ये रेएपियर्स ठीक है बेटा और क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम्स ये डिकंडेंस होते हैं फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स ठीक अच्छा है बेटा अच्छा देन स्पेंडल फाइबर्स ठीक है ना बेटा स्पेंडल फाइबर जो अभी तक थे एस्टर जो थे ये क्या है डिसपियर होते दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग नाउ तो दिस इज द कंप्लीस ऑफ

डीप होती जा रही है ठीक है डीपन्स और एज साइज जो है एंड द टू डॉटर सेल्स और फॉर्मड लेकिन उनका जो है विथ हाफ नंबर ऑफ chromosomes. यहाँ पे आप औरिजिनली हमने जो सेल ली थी उसमें चार क्रोमोजोम थे यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये अब दो ही हैं ठीक थी? ठीक है ना इस सेल में दो क्रोमोजोम इस सेल में दैट मीन्स कंपेयर टू पेरेंट सेल जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनमें क्रोमोजोम नंबर जो है वो क्या कहते हैं हाफ होता है तो इनको कहते हैं हेप्लाइड सेल्स सो दैट इज़ वाई द मियाटिक फर्स्ट डिवीज़न जो है इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न रिडक्शनल डिवीज़न यहाँ पे जो है साइटोकैनिस में ये डीप होता जा रहा है और दो सेल्स बनते हैं यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं ये yeah. ऐसे तो ये दो सेल्स बनती हैं ठीक है ना? यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर होता है ठीक ये यहाँ पे सेंट्रो सेंट्रोल्स ठीक है ना? यहाँ पे जो है ये क्रोमेटिन फाइबर्स ठीक है ना? बट ये दोनों जो होती हैं ये हेपलाइड होती हैं ठीक हेपलाइड होती है ठीक? In number of chromosomes, and that is the completion of MRT. First, our next uh, uh, point of discussion would be the meiosis.